तो हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कोडिंग डॉट कॉम। आई होप प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप सबको क्लियर होंगे और आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो आज के लेक्चर में हम सीएसएस की बॉर्डर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें अलाउ करती हैं साइज, स्टाइल, विड्थ, कलर ऑफ किसी भी एलिमेंट का बॉर्डर सेट करने में। तो देख लेते हैं, पहले एचटीएमएल का स्टार्टअप टेम्पलेट लिख लेते हैं। हमारा है लेक्चर 6, सीएसएस बॉर्डर्स। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। मैं आपको सारे बॉर्डर दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट हमारा नॉर्मल बॉर्डर होता है सॉलिड, मैं दिखा देता हूँ। H2 सॉलिड, यहाँ पे स्टाइल टैग लिख लेंगे, स्टाइल H2 का सिलेक्टर, देन बॉर्डर। सबसे पहले लिखना होता है बॉर्डर की विड्थ, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 पिक्सल, फिर बॉर्डर का टाइप सॉलिड, फिर बॉर्डर का कलर मैं यहाँ कर देता हूँ ब्लू। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। एक बार रन करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। देख सकते हैं सॉलिड ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया है। देन मैं आपको बताता हूँ डॉटेड कैसा लगता है। डॉटेड में मैं यहाँ कर दूंगा H3 डॉटेड। तो यहाँ H3 का सिलेक्टर, बॉर्डर, बॉर्डर की विड्थ 2 पिक्सल, या यहाँ मैं थोड़ा वाइड बॉर्डर करता हूँ 4, 5, 10 पिक्सल कर देता हूँ। डॉटेड ब्लैक, कंट्रोल एस से सेव। यहाँ ब्लैक कलर का डॉटेड 10, थोड़ा ज्यादा विड्थ वाला बॉर्डर आना चाहिए। देखते हैं, देख सकते हैं इसकी डॉट थोड़ी ज्यादा मोटी है क्योंकि इसकी हमने विड्थ ज्यादा लिखी थी बॉर्डर विड्थ। देन मैं आपको दिखा देता हूँ कि डैश्ड क्या होता है। डैश्ड बॉर्डर भी होता है H4 डैश्ड, H4 बॉर्डर, इसको करेंगे 5 पिक्सल डैश्ड। पर्पल कलर का आना चाहिए यहाँ पे, मुझे पर्पल दिखाना। चलते हैं ब्राउजर में, रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हैं पर्पल कलर का आ गया है डैश बॉर्डर। देन नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ डबल, डबल बॉर्डर क्या होता है। तो H5 डबल, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। H5 बॉर्डर 10 पिक्सल डबल, और कलर कर देते हैं हम इसका पिंक। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश कर सकते, देख सकते हैं यह डबल बॉर्डर आ गया है पिंक कलर का। और भी ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि ग्रूव, ग्रूव एक टाइप में आपको बता देता हूँ। लास्ट H1 लिख देता हूँ मैं, वो ग्रूव H1 बॉर्डर 4 पिक्सल ग्रूव, या हम रेड कर देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं 3D बॉर्डर जो होता है ये ग्रूव बॉर्डर होता है। ऐसे रिज, इनसेट, आउटसाइड, नन, हिडन, और टाइप्स होते हैं बॉर्डर के, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस खुद से करना। अदर बॉर्डर टाइप्स, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन, नन का मतलब कोई बॉर्डर नहीं, आप यहाँ नन भी लिख सकते हैं बीच में, हिडन, हिडन का मतलब हिडन बॉर्डर होता है। आप इन सबको रन करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सही आपको होमवर्क है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर ऑन indiancoding.com। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स एक्सप्लेन्ड इन दिस लेक्चर, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरीज यू कैन पुट इन क्यू एन ए सेक्शन। थैंक यू।